हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग डेरिवेटिव का देखने वाले, एंड दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलो कुछ बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है, यस करेक्ट, टर्निंग पॉइंट, तो मुझे बताओ आप क्या क्या बोलोगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि सेवन्थ स्टैंडर्ड में हमारी कोई स्कॉलरशिप थी, तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई, तो ये मेरा बहुत खुशी वाला पॉइंट है, दैट इज़ माई टर्निंग पॉइंट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेंथ स्टैंडर्ड में मैंने देखो इतनी पढ़ाई करी और क्या बढ़िया से मार्क्स आए, वो भी आपका क्या हो गया, एक हैप्पी मोमेंट हो गया, जिसको आप आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, जिसकी वजह से आपके आगे के एडमिशन्स के लिए आपको आसानी हुई। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अभी देखो 11th स्टैंडर्ड में मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, जो 10th में पढ़ता था, क्या पढ़ता था, अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अगेन अभी आपको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, सो अगेन यू कैन से दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील हो रहा है। सो अगेन दिस स्टडी नाउ अगेन 12th स्टैंडर्ड वुड बी अगेन यू आर अ टर्निंग पॉइंट। सो अब मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ टर्निंग पॉइंट के बारे में, तो देखो तो सही मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्निंग पॉइंट, आपको पता है इसी को हम लोग कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, इसी को आप लोग कह सकते हो क्रिटिकल पॉइंट। अब सबसे पहला आपका ये डाउट रहेगा कि सर हम लोग इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखो दोस्तों, टर्निंग पॉइंट हो, स्टेशनरी पॉइंट हो, या फिर क्रिटिकल पॉइंट हो, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो देखो आपको सम दिया जाता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। कहीं देखा हुआ लग रहा है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो करोगे, सो आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, दोज वैल्यूज विल बी कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स। अब सर इससे हमें क्या फायदा होगा, मैं बताता हूँ। यही वो लोकेशन है, जैसे आपकी 7th स्टैंडर्ड, जैसे आपकी 10th स्टैंडर्ड, जिस लोकेशन पे आपको बहुत पॉजिटिव फील हुआ, या फिर 11th स्टैंडर्ड जैसे आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। सो सिंपल चीज़ है भाई, हम लोग इस एक्स की लोकेशन पे क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव, क्या क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम हमें मिलता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ये सब कुछ करने के लिए कौन है, डेरिवेटिव टेस्ट, देयर इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज वेल एज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये दो डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये यूज किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, या फिर सैडल पॉइंट आ रहा है। चलो हम लोग तीनों चीजों के लिए डिस्कस करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ दोस्तों, यू विल अंडरस्टैंड कि इस ग्राफ में आपको यहां पे कहीं पे पीक वैल्यू दिखाई दे रही है, यहां पे भी आपको पीक वैल्यू दिखाई दे रहा है। आई जस्ट नोट इट डाउन, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखो, सो यहां पे कोई एक एक्स का नोटेशन रहेगा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर कर लो आप, या स्टेशनरी पॉइंट कंसिडर कर लो, है ना। सो इन दोनों में डोंट यू थिंक सो This is a maxima, this also is a maxima. देखो this is called as local maximum, अपने area का share, खत्म। तो ये आप इसको local maximum कह सकते हो। अब similarly आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दो notations मिलेंगे, जैसे दो locations मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आपको दोनों में से किसी एक को local minimum आप consider कर सकते हो। Again this will be a local minimum and this will be a local मैक्सिमम। सो आपको क्या पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे नहीं नहीं फिर ये पॉइंट्स का क्या, लेट मी टेल यू समथिंग, जो पीक हमेशा आता है वो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, इसीलिए दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज सैडल पॉइंट। वो आपके स्टेशनरी लोकेशन पॉइंट के लोकेशन पे होते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो। फिर आप बोलोगे सर हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की आप बात कर रहे हो। चलो एक काम करते हैं, आपका कंफ्यूजन बाजू में रखते हैं, लेट्स नॉट गेट इन टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं आपको डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव की टेस्ट बताता हूं, फिर देखते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में किस तरीके से जा रहे हैं, राइट। तो देखो क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको जो स्टेप्स फॉलो करने उसके लिए क्या करना होगा, आई विल शो यू समथिंग। आपकी सबसे पहले जो स्टेप रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी फेवरेट स्टेप। हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे, फॉर गिवन इफ ऑफ एक्स विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड
एफ डैश ऑफ एक्स को आपको क्या करना है, इक्वल टू जीरो कराना है. इसका मतलब है विल गेट एक्स की वैल्यूज. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फाइंड व्हाट, कोई भी एक इन तीनों में से यूज कर लेते हैं, स्टेशनरी वैल्यूज. सो फाइंड व्हाट स्टेशनरी पॉइंट्स. अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टेशनरी पॉइंट्स और पॉइंट्स फाइंड आउट करूँ तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरी चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है कि मैं निकाल रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ एफ डबल डैश एक्स को. मतलब व्हाट इज दिस एफ प्राइम प्राइम. सो ये डबल प्राइम हो गया एक्स. क्या मतलब है इसका, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग सीख चुके. उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है कि फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट कौन से पॉइंट भाई, स्टेशनरी पॉइंट्स पे आपको इनको फाइंड करना होगा. फिर उसके बाद आपको स्टेप नंबर 5 मिलेगी, एफ डबल डैश एक्स. एक तो आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा या फिर एफ डबल डैश एक्स का आंसर आपका लेस देन 0 होगा. सो अब देखो बहुत मजा आएगा, एफ डबल डैश एक्स का आंसर स्टेशनरी पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन 0 आया तो इट इज कंफर्म्ड दोस्तों कि आपको क्या मिलने वाला है, लोकल मिनिमम मिलने वाला है. सिमिलरली लेस देन 0 रहा तो आपको लोकल क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. तो अब मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखो, ये उल्टे दिमाग से काम करता है. ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आई तो उल्टा मिनिमम बोल रहा है, और जब लेस देन 0 आ रहा है तब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बोल रहा है. अब आप मुझे बताओ कि मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया उस स्टेशनरी पॉइंट पे. टू फाइंड वैल्यूज, अब अगर आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यूज यूजिंग क्या करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ एक्स को यूज करना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ है, और उसको लेके आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो. सो सिंपल स्टोरी है दोस्तों, 6 स्टेप बेसिक फॉलो करने और हम लोगों को स्टेप्स को यूज करके आंसर्स लेके आने. सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करने वाले. आई विल कीप दो स्टेप एवरी टाइम जो बोर्ड पे मैं रखूंगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. तो चलो सम्स के लिए शुरुआत करते हैं. स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. एंड पहला सम हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 21x² + 36x - 20. सबसे पहली चीज जो दिया हुआ है भाई साहब को रिस्पेक्ट दो एंड लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, राइट. आपको पता है स्टेप नंबर 1 क्या बोला था आपको, मैं यहाँ पे ना पहला सम है तो स्टेप्स लिख देता हूँ या फिर आपको नोट डाउन करने के लिए आसानी हो जाए. स्टेप नंबर 1 में हमें करना था फाइंड, हाँ हाँ करेक्ट, एफ डैश एक्स. तो चलो हम लोग फटाफट एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करते हैं. एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी मेरे पास है, एफ डैश ऑफ एक्स थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लो तो 3x², सो ओवरऑल इट विल बी 6x² माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो ये हो गया आपका 42x करेक्ट प्लस 36 और x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव आया 0. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सिंपलीफाई दिस, x 6 को कॉमन लो तो आपको मिलेगा x² - 7x प्लस मिल जाएगा 6, और ये रहा आपका एफ डैश ऑफ एक्स करेक्ट है. अब उसके बाद हमें क्या करना था, ये हम लोगों ने एफ डैश ऑफ एक्स को निकाला. अब वट एवर इज आर एफ डैश ऑफ एक्स, आर जॉब वुड बी इज वॉट, इसको पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे. अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 मैंने आपको क्या बोला था, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना था आपको, 0, एंड हम लोगों को फाइंड आउट करने थे स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट. तो चलो हेल्प करो अभी मुझे, मेरे पास ऑलरेडी एफ डैश ऑफ एक्स है तो 6 × x² - 7x + 6 इज इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों, 0. चलो अभी इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, 6 एज इट इज एक्स माइनस 6 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0. सो 6 तो इधर चला गया, x इज इक्वल टू कितना मिला 6 एंड x इज इक्वल टू कितना मिला 1. सो गाइज व्हाट आई हैव गॉट इज x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 1, ये हुए मेरे स्टेशनरी पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स. याद आया कुछ, अब जैसे ही ये आ गया हम लोग जाते हैं स्टेप नंबर
थ्री के लिए स्टेप नंबर थ्री वॉज इजियर, जहां पे हमें फाइंड आउट करना था क्या करना था f डबल डैश x, तो ऑलरेडी आई हैव f ऑफ x जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर टू दिया हुआ है. सो f डबल डैश x अगर मुझे फाइंड आउट करना है, नीड टू फाइंड व्हाट डेरिवेटिव, तो बताओ जल्दी से. 6 को वैसे ही रखता हूं मैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी यहां पे 2x माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा एंड 6 का डेरिवेटिव वुड बी 0. सो मुझे ये दिखाई दे रहा है 12x माइनस 42, ये आया मेरा f डबल डैश x का आंसर. एंड दोस्तों दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. अब जैसे ही स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 हो चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 ने हमें क्या सिखाया, हमें क्या करना है, पुट स्टेशनरी पॉइंट्स का वैल्यू, करेक्ट. सो पुट एक्स इज इक्वल टू 6 and 1, राइट, आई एम सॉरी 6 and 1 हमें पुट करना पड़ेगा इन f डबल डैश x. तो चलो अगर मैं पुट अप करूं तो मुझे क्या क्या आंसर्स मिलते हैं. सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या करते हैं, 6 सब्सटीट्यूट करके डिस्कशन कर लेते हैं. सो माय f डबल डैश x वुड नाउ लुक लाइक 12 into 6 minus 42, यानी कि आ जाएगा 30, जो कि पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब है क्लियरली क्या हुआ, ग्रेटर देन 0. कुछ याद आ रहा है, अगर आपके f डबल डैश ऑफ x का आंसर पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, तो इट इज करेक्ट. ये उल्टा है तो यहां पे आपका जो फॉर्मेशन होगा वो किसका फॉर्मेशन होगा, मिनिमम का फॉर्मेशन हुआ. जब ग्रेटर का साइन होता है तब क्या होता है, मिनिमम होता है. सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x इज इक्वल टू 1 को. तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, माई f डबल डैश ऑफ x का जो आंसर आएगा दैट वुड बी 12 into 1 माइनस कितना रहेगा 42. सो दिस विल बी माइनस 30 विच इज लेस देन 0. सो आपको पता है अभी लेस देन 0 नेगेटिव आंसर, उल्टा दिमाग, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, मैक्सिमम का फॉर्मेशन होगा. अब देखो हम लोगों ने ये सब कुछ चेक किया, पुट की वैल्यूज पुटअप करिए. अब मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 6 पे मिनिमम आ रहा है और x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है. अब मुझे ये वैल्यू पुटअप करनी होगी ओरिजिनल फंक्शन में इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइनल आंसर्स. तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाऊँ तो, जस्ट अ सेकेंड, अब मैं एक एक वैल्यू सब्सिट्यूट करने के लिए जा रहा हूँ. बताओ पहले मैं करूँगा फॉर गिविन एफ ऑफ एक्स, पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 पे मुझे क्या मिला है, मिनिमम मिलने वाला है. तो लेट्स पुट द वैल्यू एंड देखते हैं. पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब कौन, f ऑफ x ही होता है. सो चलो x हम लोग सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि क्या हमें मिलेगा. f ऑफ x नाउ वुड लुक लाइक 2, 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस 21, यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 हो जाएगा माइनस 20. तो सब कुछ अभी सिंप्लीफाई करना होगा दोस्तों. सो दिस विल बी 2 इंटू 6 का क्यूब होता है 216, 21 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 36, आई एम सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा अगेन 216, राइट, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20. तो चलो आप और मैं मिलके इसको सिंप्लीफाई करते हैं. आई गेट दिस हैज टू बी 432, करेक्ट. 21 इंटू दिस बिकम्स 756 आएगा, यस 756 आएगा, प्लस 216 हुआ और यहाँ पे माइनस कितना आया 20. सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, और ये 432 और 216 को मैं अगर ऐड करूँ तो 648 माइनस ये हो जाएगा 776 हो जाएगा, राइट. सो ये ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करूँ तो आई गेट व्हाट, माइनस कितना आएगा 128, करेक्ट. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन दिस केस कम्स आउट टू बी माइनस 128. अब एक काम करते हैं, सेम चीज हमें करनी है, पुट क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करना है, 1 को पुट करना है, यस 1 पुट करने के बाद मैक्सिमम आंसर आएगा. लेट्स पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 वुड गिव अस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 into 1 cube, मैं इधर से डायरेक्टली उठा रहा हूँ, माइनस 21 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20. सो लेट्स हैव 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, तो हो जाएगा 38 माइनस 41 बिकम्स हाउ मच,
करेक्ट, यहाँ पे हो गया मेरा आंसर -3। इसका मतलब है मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना मिला मुझे -3, एंड मिनिमम वैल्यू जो मुझे मिलेगा ऑफ एफ ऑफ एक्स जो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज -128। सो दैट्स हाउ ये सारे के सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स जो है वो हमें वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हुआ होगा, जस्ट चेक द सम, आपको सारी वैल्यूज अगर समझ में आई है तो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट सम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ + 2x² - 3x दिया हुआ है। एज आई सेड जो भी दिया है भगवान का दिया हुआ है, सो लेट दिस बी नथिंग बट इक्वेशन नंबर क्या होगा अपना 1 है। उसके बाद लेट्स गो फॉर एफ डैश ऑफ एक्स नाउ, आप लोग हेल्प करो, ये हो जाएगा 3x² सो यहाँ पे हो जाएगा 15x² प्लस दिस विल बी 4x - 3। अब डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले तो आ रहे हैं ना, तो अब देखो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या करना था, इस एफ डैश ऑफ एक्स को मतलब 15x² + 4x - 3 वैल्यू को मुझे क्या इक्वेट करना है, 0 इक्वेट करना है। तो आपको तो पता है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स आपको पता है कैसे निकालने हैं, तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, माइनस बी कुछ याद आया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac याद आ रहा है सबको, अपॉन 2 into a यानी कि 15 इज इक्वल टू हमें क्या, सॉरी वैल्यू निकालनी है, आई एम सो सॉरी। अब चलो सिंप्लीफिकेशन में जाते, -4 + -√16 लेट्स हैव दिस एज इन आर मल्टीप्लीकेशन, 15 4 16 2 3 - 180 विथ माइनस बिकम्स +180 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया आपका 30, 180 प्लस 16 करेक्ट 196 किसका स्क्वायर रूट है, तब तक आप सोचो मैं लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 196 होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 30 होगा, अंडर रूट ऑफ 196 इज नथिंग बट व्हाट 14 करेक्ट, सो योर आंसर इज -4 + -14 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 30। चलो फिर सिंप्लीफाई करते हैं, एक आएगी वैल्यू -4 + 14 / 30 सही है, दूसरी आएगी वैल्यू करेक्ट और -4 - 14 / 30। तो मुझे जो x के आंसर्स दिख रहे हैं मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 10/30 यानी कि 1/3 मिल रहा है, और दूसरी एक x की मुझे वैल्यू मिल रही है -18/30। -18/30 को डायरेक्टली लिख सकते हैं -3/5 लिख सकते हैं। तो देखो आई हैव गॉट माई स्टेशनरी पॉइंट्स माई टर्निंग पॉइंट्स, तो जब हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल चुके अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट है एफ डबल डैश एक्स को। तो एफ डबल डैश एक्स के बारे में बताइए, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। एफ डबल डैश एक्स बताइए, चलो डेरिवेटिव बताओ फटाफट, 30 आएगा, x आएगा प्लस यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव सिर्फ 4 एंड दिस 3 गिव्स यू डेरिवेटिव एज टू बी 0। तो अब बताओ मुझे, यू हैव f डबल डैश ऑफ x रेडी विथ यू विच इज 30x प्लस कितना आ गया आपका 4 आ गया राइट। अब अगेन दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। आपको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आए हुए सारे स्टेशनरी पॉइंट्स आपको f डबल डैश में सब्सटीट्यूट करना है इन ऑर्डर टू चेक कि क्या हो रहा है। तो एक एक वैल्यू चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/3 करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो आपका f डबल डैश x का आंसर आएगा दोस्तों 30 × 1/3, आई नो यू गाइज आर विथ मी, +4। सो ये और ये कैंसिल होके यहाँ पे 10 + 4 यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 14, पॉजिटिव 14 करेक्ट। सो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, फाइंड तो हम करने ही वाले। सिमिलरली अब हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3/5, तो देखो आपको f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिलती है, इट कम्स आउट टू बी 30 और यहाँ पे आएगा -3/5 + 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 6 3 = 18, -18 + 4 becomes -14, क्या बात है, लेस देन 0। अब उल्टे दिमाग की वजह से यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, सो मिनिमम और मैक्सिमम हमें मिल चुका है
पर्टिकुलर पोजीशंस पे, नेक्स्ट जॉब वुड बी व्हाट, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट एक्स की वैल्यू 1/3, एक्स की वैल्यू -3/5 इन एफ ऑफ एक्स इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो चलो अभी पुट पहला काम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू पहली वैल्यू कौन सी थी हम लोगों की 1/3 इन इक्वेशन 1। चलो बताओ तो मेरा एफ ऑफ एक्स मुझे कैसे दिखना चल हो जाएगा, देखो 5 करेक्ट 1/3 का क्यूब, हाँ कैलकुलेशन से आप लोग सपोर्ट करने वाले हो तो इसीलिए मैं बिंदास लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पे आएगा 1/3। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 5/3 का क्यूब होता है 27 प्लस आएगा 2/ हो जाएगा 9 राइट, उसके बाद माइनस 3 कैंसिल वुड बी 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 6 11, सो 11/27 और साथ में हो जाएगा -1। सो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माय आंसर इन दिस केस 27 करेक्ट है, -27 प्लस -16 बाय कितना आ जाएगा 27, सो ये मेरी वैल्यू आ गई -16/27। सिमिलरली इसके बाद आई विल अगेन पुट x इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू आया था -3/5, सो 3/5 इन इक्वेशन 1 वुड रिजल्ट इन टू एफ ऑफ एक्स, चलो बताओ 5 -3/ कितना हुआ भाई 5 का क्यूब प्लस 2 -3/5 का स्क्वायर -3 इंटू -3/ कितना हुआ 5। सो अभी सिंप्लीफाई करने में भी और मज़ा आएगा, 5 और ये -3 का क्यूब हो जाएगा -27 और साथ में हो जाएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 2 एज इट इज़ 3 का स्क्वायर इज 9/25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 9/ कितना मिलेगा 5। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये और ये कैंसिल करके 25 कर देते हैं, उसके बाद -27, अब दोनों का बेस कॉमन हो गया 25 25, सो -27 + 18 बिकम्स -9/25 प्लस 9/5 हो गया। चलो भाई साहब को 5 से मल्टीप्लाई करो, सो भाई साहब बन जाएंगे -9/25 प्लस 45/25, सो ओवरऑल ये आंसर आप निकालोगे यू विल गेट 36/25। जैसे लास्ट सम में मैंने फुल लिखा था वैसे ही आप लिख सकते हो, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 36/25 राइट, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगी -16/27। सो आई होप द आइडिया बिहाइंड दिस सम इज क्लियर। सो अब जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट सम के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16/x2। अब देखो मुझे पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक बार दो बार आप फटाफट निकाल सकते हो, बट आई हैव एन इशू कि अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो आप लोग डेरिवेटिव किस तरीके से निकालोगे। तो मुझे पता है आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, शायद आपको थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आके फाड़ के आप देखो कि इनके डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलो एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है, मैंने बोला था जो दिया है इक्वेशन नंबर 1, लेट्स गो फॉर व्हाट एफ डैश ऑफ एक्स, फटाफट डेरिवेटिव बताओ 2x प्लस 16 एज इट इज 1/x2 आई एम वेटिंग। अरे क्या बात है आ गया आपको -2/, क्या बात है बहुत पढ़ाई कर रहे हो यार। हाँ तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यू गेट 2x -32/, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x³, ये आया मेरा एफ डैश ऑफ एक्स, भाई साहब हो गए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, ये आने के बाद हमें लेट एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज 2x -32/x³ इज इक्वल टू 0। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/x³, ये इधर कॉम्प्लिकेशंस, x रेस टू 4 इज इक्वल टू कितना हुआ 16, मतलब x² इज इक्वल टू कितना हुआ 4, मतलब x इज इक्वल टू कितना हुआ ±2, मतलब x इज इक्वल टू 2 हमें एक पोजीशन मिली एंड x इज इक्वल टू -2 ये एक पोजीशन हमें मिल चुकी है। सो स्टेशनरी पॉइंट्स वी गॉट राइट, नेक्स्ट जॉब इज व्हाट इज टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स। तो पहले तो बताओ एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास है क्या, है, तो डेरिवेटिव बताओ 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस
32 एज इट इज कौन है ये, 1 अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है आपको डेरिवेटिव। देखो राइट साइड में मत देखो, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ। आई नो योर डेरिवेटिव इज -3 अपॉन एक्स रेस टू 4, आपको तो सही से आ रहा है भाई। अब देखते हैं 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 96 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 4, सो दैट्स ऑल। ये मुझे मिला f डबल डैश ऑफ x, एंड लेट्स से ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर कितना हुआ 3। अब इसके बाद के स्टेप्स थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। f डबल डैश x एक बार आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x की एक एक वैल्यू पुट अप करते हैं। सो x इज इक्वल टू 2, लेट्स पुट इट इन f डबल डैश x। सो x इज इक्वल टू 2 के लिए f डबल डैश x अंकल हमें दिखाई देंगे 2 प्लस 96 अपॉन कितना हुआ 2 रेस टू 4। तो मुझे आंसर मिला यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 16 और 96 मतलब 6, तो मेरा आंसर हुआ 8 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कन्फर्म यहाँ पे मिनिमा, तो मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सिमिलरली हम लोग x इज इक्वल टू -2 फाइंड आउट करेंगे। अब x इज इक्वल टू -2 पे f डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे 2 प्लस 96 अपॉन -2 रेस टू 4 वुड बिकम 2, -2 रेस टू 4 कितना हुआ अगेन प्लस 16, तो कैलकुलेशन करो तो वापस प्लस 6 यानी कि 8, यानी कि अगेन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है जो भी दो स्टेशनरी पॉइंट्स है भाई वो पॉइंट पे आपका मिनिमम ही आ रहा है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करो आपके स्टेशनरी पॉइंट की, यू विल गेट इधर 2 और -2 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो सेम होगी। सो अभी इसके बाद व्हाट आई विल बी डूइंग इज पुट, दोनों में से कोई भी एक सब्सटीट्यूट करो दोस्तों, एक्स इक्वल टू आई पुट 2 इन व्हाट, आपको पता है मिनिमम वैल्यू कब निकलती इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद, तो चलो पुट करो मेरे लिए। f ऑफ x आपको दिखाई देगा अभी 2 का होगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16 अपॉन अगेन 2 अंकल का स्क्वायर, सो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4 प्लस 4 यानी कि 8 एज माय आंसर। सो यहाँ पे सिर्फ मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैंने बोला था मिनिमम मैक्सिमम सैडल जो है पोजीशन हो सकती है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो आई कैन जस्ट कंक्लूड इट आई एम गेटिंग ओनली मिनिमम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे f ऑफ x कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा। सो दोस्तों जैसे जैसे सम्स आगे बढ़ रहे आप प्रैक्टिस करो किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए फाइंड आउट किया जाता है। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। थैंक यू।